जनसुनवाई में एक बुजुर्ग पहुंचे जिन्होंने अपने वकील बेटे पर संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। वहीं अन्य संपत्ति पर भी उसकी नजर होने की शिकायत की। मामले में अधिकारी ने बुजुर्ग को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं ताकि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, लेकिन 93 वर्षीय बुजुर्ग बसंतीलाल के लिए उनका वकील पुत्र मुसीबत बन गया है। वकील पुत्र अशोक ने बसंतीलाल की संपत्ति बेचना प्रारंभ कर दिया है। अब शेष बची संपत्ति पर भी उसकी नजर है। इसी की शिकायत लेकर बसंतीलाल मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे। अपने पोते के साथ आए बसंतीलाल ने पुत्र अशोक की करतूत से अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही न्याय दिलाने की गुहार लगाई। क्या शिकायत लेकर आए थे दादा आप? मेरी वाइफ ने अपनी रकम गिरवे रखे दुकान खरीदी, उसमें मेरे लड़के को वकील बनाया कर कब्जा कर लिया और खाली नहीं कर दिया वो, और हमारी मेरी उम्र 93 साल हो गई। अच्छा, दूसरा उसके लड़के को वकील बनाया, लड़की के उसने 19 लाख रुपए दिए और जायदाद दी, एक खेत बचपन में लिया वो बेच दिया, अब मेरी जायदाद पे कब्जा कर लिया और मारने पीटने करने दोष दे दिया। आपका ही लड़का है? मेरा ही लड़का है, वकील बनाया और मेरे को आफत दे दिया, जगह जगह शिकायत कर दिया झूठी। क्या क्या ये तो मेरी जायदाद है, ये कर दिया। मैं अभी एक मेरी साधन के लिए जमीन बेचूँ तो उसमें अड़ंगा लगा दिया, मैंने खुद ने खरीदी और वो 10 साल का था जब जमीन खरीदी, पर बारी बेच दी 1 करोड़ में, परेशान कर दिया मेरे को, इसलिए जन सुनवाई में आया। और थाने में 4-4 रिपोर्ट करी, कोई सुनवाई नहीं आज तक। यहाँ क्या बोले अभी? यहाँ बोले कि तहसीलदार आएगा, SDO के यहाँ जाते तो उसने गलत कर दिया, बेटमा की जमीन और बदीपुरा की सुनवाई करके हमारे खिलाफ आर्डर दे दिया, उसके अपील बहुत चक्कर, परेशान हो रहा है। आपका नाम बताओ? बसंतीलाल शारदा बेटमा, उम्र 93 साल। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बुजुर्ग की शिकायत गंभीरता से सुनने के बाद बेटमा के अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जी, बेटमा का एक प्रकरण था जहाँ पे इसी प्रकार की शिकायत आई थी, जहाँ बुजुर्ग ने ये बोला कि सर मेरी प्रॉपर्टी पे मेरे बेटे ने मुझे बेदखल कर दिया है, और प्रॉपर्टी से ज़्यादा दर्द था बेटे के व्यवहार को लेके उनको, और क्योंकि बेटा वकील भी है तो बोले वो और ज़्यादा रोब झाड़ता है कि मेरा, मैं वकील हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो भी शिकायत आई थी उसके संबंध में मैंने बेटमा तहसीलदार को बोला है कि वो मौके पर जाए, जाँच करे, और जो भी दादा है उनको किस तरीके से हम लोग विधिक रूप से अनुतोष या उनकी सहायता कर सकते हैं। ये रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।